नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आपका आपके फेवरेट हार्मनी टीवी शो में। आपके लिए लेकर आए हैं खास इन्फॉर्मेशन जो कि है एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई। रेनु नारंग और उनके पार्टनर निर्वाणा रेस्टोरेंट के ओनर इस बार लेकर आए हैं एक खास शो। ये शो खास इसलिए है क्योंकि इस शो में जो भी सिंगर गा रहे हैं वो है इंडियन आइडल से। उनकी सुरीली आवाज सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है और इस बार वर्ल्ड टूर में स्पेशली एडमंटन में हो रहा है उनका एक्सक्लूसिव शो। रेनु नारंग से जानते हैं खास इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडल्स लाइव इन कॉन्सर्ट। लाइव इन कॉन्सर्ट नीलांजन रे। जितनी आपकी उम्र है उससे कहीं परे जाके आपने गाया, बहुत अच्छा प्रेजेंस है आपकी वॉइस को। फिर आपके नसीब में ये कहावत ही सही कर दी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नीलांजना, मैंने किसी भी रियलिटी शो में इतना सुरीला गाते हुए किसी लड़की को नहीं सुना। राज कपूर जी, इफ दे हैड हर्ड यू दे वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ यू। वाओ, मुझे आपके गले को एक बार ना चेक करना है, ऑटो ट्यूनर लगा के तो नहीं आप गाते हो? I swear, आपके जैसा गाना तो कोई गा भी नहीं सकता यहाँ पे, इतनी छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में, मतलब इतना ठहराव है आप में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गाती हैं, मतलब कमाल है। नीलांजना जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दिल पे कहीं थाप पड़ रही है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है किसी की रूह तक उतर जाना और तुम इतना मुश्किल काम कर रही हो, खुदा तुम्हारे साथ। जितने भी परदेशी प्रवास काट रहे हैं कनाडा में या और कंट्रीज में, हमारा मन यही करता है कि यहाँ ही अपना देश बसा लें। उस चीज़ को देखते हुए हमारी कई कम्युनिटी के लीडर, चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करते रहते हैं। और दूसरा, कनाडा तो वैसे ठंडी कंट्री है और गर्मियाँ भी सर्दी के बराबर ही है। जो गर्मियों का टेम्परेचर है यहाँ वो सर्दियों के है इंडिया का, मगर हम रुकते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार ऐसे ही खुशियां मनाते रहें। उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमारे यहाँ एडमिंटन की एक मशहूर शख्सियत मैं बोलूँगा, रेनु नारंग, जिनका योगदान बड़ा है कम्युनिटी को, योगदान बड़ा है हमारे भाईचारे को इकट्ठा रखने में। वो एक शो लेके आई हैं और आज हम उस शो की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। रेनु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू यश भाई सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके ऑडियंस के साथ में रूबरू हो सकूं। रेनु जी, शो की तो बात नहीं करेंगे, पहले आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे हारमोनी के दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ जी, मैं ज़रूर आपको, बिफोर मैं स्टार्ट करूँ, पहले मैं अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को एक बार अच्छी तरह से दिल से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और फिर मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। हम लोग यहाँ पर, मैं इंडिया से एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बहुत बड़ी फैमिली से, पेरेंट साइड से, मम्मी के फादर के दोनों साइड से। मेरे फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। मैंने इंडिया में 2 मास्टर्स की, मैंने एम ए इन इकोनॉमिक्स किया था, फिर मैंने एम बी ए बिजनेस मैनेजमेंट इन मार्केटिंग किया था। वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे मम्मी पापा हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दे पाए और फिर बहुत ही लकी थी कि एक बहुत बड़े परिवार में और इंदौर के एक बहुत जाने माने परिवार में मेरी शादी हुई। नारंग फैमिली है, बहुत बड़े दवाइयों के बिजनेसमैन हैं। सो वहाँ से फिर हमारी जब शादी हुई, शुरुआत हुई, मेरे हस्बैंड भी एमबीए हैं, इंजीनियर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो शादी के कुछ बाद बस जैसे कहते हैं कि आपका दाना पानी जहाँ लिखा होता है टाइम आपको उठा के वहाँ ले जाता है। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से एक बहुत बड़ी फैमिली में गई, मैंने सोचा इंदौर इज़ माई एंड ऑफ माई लाइफ जर्नी और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, हम तो कैनेडा मूव करेंगे। सो मेरी शादी 86 में हुई और 88 में मेरा पहला बेटा हुआ,
तो उसके बाद हम 89 में हम एडमिंटन आ गए, तो तब से एडमिंटन मेरा घर है और अब मैं यहाँ की हो गई हूँ। सो अब आगे आगे और टाइम यहाँ पे भी हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत लकी रहे हम लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। मैं आपसे आगे चलते हैं तो शेयर करती हूँ। बहुत धन्यवाद, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने विस्तार में ये बताया। मगर आप मेरे से सहमत होंगे कि गर्मियाँ बहुत छोटी हैं कनाडा में, और बुखार आ जाती है सिंगर्स की। हाँ, पंजाबी तो रोज आती है। हाँ जी। तो आपका शो उससे हटके क्या चीज है? मेरा शो एक आम पब्लिक के लिए है, जो कि अब हमारे इधर मिक्स कम्युनिटीज हैं और आजकल मिक्स टाइप का म्यूजिक लोग लाइक करते हैं। सो इस शो में जो आ रहे हैं वो मुस्लिम बैकग्राउंड से भी हैं, एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं, एक बंगाली बैकग्राउंड से हैं। तो एक मिक्स कल्चर, मिक्स कम्युनिटी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और ये थोड़ा इसीलिए डिफरेंट होगा कि हम सादे तरीके के ऑडियंस को रीच कर पाएं। तो शो का नाम बताएं दर्शकों को, और आपके कौन सिंगर आ रहे हैं ये बताएं। हमारे शो का नाम है द आइडल्स, और जो ये आइडल शो है ये इंडियन आइडल के जो विनर हैं सलमान अली जी वो आ रहे हैं, और उनके साथ में जो सेकंड रनर अप थे नितिन कुमार जी वो आ रहे हैं, एंड निलंजना रे वो थर्ड थी। तो तीनों मिलके एडमिंटन के ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। लाइव इन कॉन्सर्ट नीलांजना रे। इतनी आपकी उम्र है उससे कहीं परे जाके आपने गाया, बहुत अच्छा प्रेजेंस है आपकी वॉइस को। फिर आपके नसीब में ये तो कहावत ही सही कर दी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नीलांजना, मैंने किसी भी रियलिटी शो में इतना सुरीला गाते हुए किसी लड़की को नहीं सुना। राज कपूर जी, इफ दे हैड हर्ड यू दे वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे आपके गले को एक बार ना चेक करना है, ऑटो ट्यूनर लगा के तो नहीं आप गाती हो? I swear, रहती, रहती। आपके जैसा गाना तो कोई गा भी नहीं सकता यहाँ पे, इतनी छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में, मतलब इतना ठहराव है आप में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गाती हैं, मतलब कमाल है। नीलांजना जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दिल पे कहीं थाप पड़ रही है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है किसी की रूह तक उतर जाना, और तुम इतना मुश्किल काम कर रही हो, खुदा तुम्हारे साथ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Seven Oceans Homes पेश करते ने लॉरेल क्रॉसिंग बनाए गए 1576 स्क्वायर फीट मेंटेनेंस फ्री लिविंग स्पेस जो कि शुरू होंदे ने 359,000 तो। स्कूल बस स्टॉप एंथनी हैंडे ते 17 स्ट्रीट ते होर तुहाडे अपने मीडोज रेक सेंटर दे नेड़े इत्थे हान अपग्रेडेड किचन वॉक इन पेंट्री और स्पेशियस लिविंग एरिया। In this dream home, you will find 9 feet ceiling, a living room with foyer, and half bathroom on the main floor with deck and landscaping included. Tuhanu mildiyan separate entrance to basement, the basement ceiling vi 9 feet di. Your favorite master bedroom comes with 3-piece ensuite and walk-in closet. The other two bedrooms have decent sizes with common bathroom and laundry on the floor. At Seven Oceans Homes, we believe in your dreams.
to choose interior colors and design of your choice. Come and visit our show home. Saturday show home Charlie, call karo. Get $10,000 off instantly on your purchase. Call Nam Kuller at 780-267-1300. Living at Royal Oaks by CanCom Developments. Location and complete satisfaction draw our clients to Royal Oaks. We offer fully serviced lots in a broad variety of sizes. Build your dream with us. We are 5 minutes south of Edmonton and 10 minutes from the International Airport. Let your lifetime investment be Royal Oaks. Wondering what's happening in Western Canada? We are presenting Cultural Tadka in Hindi, Punjabi, and English. We are coming every Saturday with news, views, entertainment, and community coverage. Don't forget to watch us every Saturday morning. Harmony TV, celebrating togetherness. Live in concert. It was phenomenal. Main aapko genuinely us intro ke liye hi. यार क्या बोलूं मैं ये तीन लोगों ने गाया हुआ गाना तूने अकेले गाया रात बढ़ती जुदाई मैं हूँ आपके फैन लेकिन जब आप गाते हैं ना कहीं सुखविंदर हैं आप आग लगा दी वो तो बोला इस दुनिया में वो पानी नहीं है जो आग को बुझा सके बेहद मेगा शो है ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है ये कोई ऑर्डिनरी शो नहीं है ये एडमिंटन में पूरा धमाका मचा देने वाले हैं और मेरे जैसा छोटा मोटा बंदा आ तो सकता है ना ऑफ कोर्स आप क्यों मजाक करते हैं हमारे साथ में हम भी छोटे मोटे लोग हैं और आज भी छोटे मोटे ही हैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहने से ही भगवान आपको तरक्की देता है आगे बढ़ाता है आपको सो नहीं ये सारों के लिए सारे सभी टाइप की मेरे पास प्राइस उसमें है कम वाली भी हैं ज़्यादा वाली भी हैं एंड जो अफोर्डेबिलिटी है जिसकी पर मेरे लिए सारे ऑडियंस एक जैसे हैं इट डजंट मैटर कि आप कौन सी टिकट खरीदते हैं मेरे लिए हर इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट है वो सेम है मैं कभी भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को पैसे से नहीं तोला बहुत अच्छी बात है और मैं इस बात का एंडोर्स भी करता हूँ मगर ये हमारे दर्शकों को बताएं किस दिन का शो और कहाँ हो रहा है तो शो है 3rd of August को सैटरडे है लॉन्ग वीकेंड का सैटरडे है एंड हमने रिवर क्री रिजॉर्ट एंड कैसीनो चूज किया है अगेन काफी अच्छा वेन्यू है वन ऑफ द न्यूएस्ट वेन्यू इन एडमिंटन वेरी मॉडर्न So and easy accessible by Anthony Hyundai और free parking है so खाने पीने का भी है लोग बाद में stay करके अपने आप को entertain कर सकते हैं so August 3rd River Creek Casino and Resort में ये show है और doors कब खुलेंगे और duration क्या रहेगी doors will open at 6 o'clock the show will start at 7 o'clock और हम 3 घंटे का शो देंगे ऑडियंस को यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि जब ही शो आते हैं 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं एंड ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि बहुत शो छोटा था सो वी आर गोना गिव देम अ 3 आवर शो और इन 3 सिंगर्स के साथ
कोई हास्य कलाकार भी है कि ये गाते ही रहेंगे? ये सिर्फ गाते रहेंगे, ओपनिंग एक्ट वगैरह थोड़ा सा होगा, बट मोस्टली सिर्फ गाने ही हैं, आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। और रेनु जी ये बताएं, जो म्यूजिशियन है यहाँ से हैं कि वो भी इंडिया से आए? वो भी इंडिया से आ रहे हैं, 17 लोगों का ग्रुप आ रहा है, उसमें उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं जो लाइट एंड साउंड को ऑपरेट करते हैं, उनका पूरे शो को कंडक्ट करते हैं, म्यूजिशियंस यहाँ का लोकल कोई नहीं है, 17 लोगों की टीम है जो कि आ रही है। तो ये तो देखो आप इतना बड़ा ट्रूप लेके आ रहे हैं और वो तो खर्चा बहुत हो रहा होगा उस पे। हाँ जी, अब खर्चे के बिना तो कुछ होता नहीं है यश जी, आपको पता ही है। और सो ठीक है, अगर टिकटें बिकेंगी तो खर्चा निकल जाएगा, मुझे कोई बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोई ऐसी अंदर से कोई ऐसी बड़ी इच्छा भी नहीं है, ये मेरा एक पैशन था। मैं कई सालों से सोचती थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कोई शो लाना है, तो एक बार मुझे मौका मिला तो मैंने इसको ग्रैब किया। मैं शुरू से बिजनेस में रही हूँ, आपको पता ही है, मैं 28 इयर्स बिजनेस में रही, सो बट तभी भी हमेशा एक दिल में होता था कि इस टाइप का बिजनेस डिफरेंटली थोड़ा सा करना है। सो इस बार अपॉर्चुनिटी मिली, तो अगर आप सबका साथ रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो देखो सक्सेस मिलेगी। आपने प्रॉफिट की बात की, आपने पहले बहुत प्रॉफिट कमा चुकी हैं, अभी तो यू गिव बैक टू सोसाइटी। मेरा पर्पस ही यही है, अगर मेरा इसमें भी कोई प्रॉफिट बनता है यश जी, इट गोज बैक टू द कम्युनिटी। भगवान की बहुत मेहर रही है, बहुत अच्छा टाइम निकला है, पैसा तो हमने किसी ने साथ लेकर नहीं जाना है, सो अगर यहाँ हैं, अगर हम यहीं लोगों की किसी तरीके की हेल्प कर सकते हैं, मैं अपने लिए तो बड़ा बड़ी बात नहीं बोलूंगी, पर मेरा हमेशा अगर किसी को हेल्प हो चाहिए हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। तो थोड़ा टिकट रेंज भी बताएं किस तरह की है? हाँ जी, टिकट हमारी 45 की भी है, 55 है, 75 है, 95 है एंड 125 की टिकट्स हैं। और इसमें सफर भी इन्वॉल्व है? नहीं, फूड अगर वो वेन्यू वाले जो हैं रिवर क्री रिसोर्ट वाले, वो लोग अपने स्टॉल लगाते हैं, वो अपने आप बेचते हैं फूड, so that food will be available, drinks will be available, but they are sold by River Cree Resort and Casino. हमारा उसमें कुछ नहीं है। और रेनू जी, मैंने पीछे काफी शो अटेंड किए और लोग ना आगे आ जाते हैं, व्यूअर्स जो आते हैं वहाँ, अटेंडीज जो होते हैं, और बड़ा जमघट हो जाता है, कोई सेल्फी का चक्कर पड़ा हुआ है, और पीपल डोंट एंजॉय, उसको देखते हुए कोई डिसिप्लिन कैसे रखा जाए? डेफिनेटली बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंज करी है और कोशिश यही होगी, हमने बिलीव नहीं करेंगे, जब आज उनसे मीटिंग करी थी तो हमने फ्रंट की कुछ सीट्स निकाल दी हैं और साइड में उनको, बिकॉज लोगों को बहुत शौक होता है कि हमने डांस करना है, म्यूजिक इतना हाइप्ड अप रहता है, तो वो कहते थे कि आपकी सीटें, आप प्राइम सीट्स निकाल रहे हो, पर फिर मैंने आपको बताया कि मुझे पैसों का इतना लालच नहीं है, मुझे चाहिए कि लोग एंटरटेन होके जाएं, तो वहाँ पे हम एरिया बना रहे हैं दो फ्रंट में और दो पीछे एरिया, जहाँ पे लोग अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग तो वहाँ पे अपना कर सकते हैं म्यूजिक के साथ। देखिए, आपने तीनों सिंगर का नाम लिया, तो उनका कोई गाना मकबूल भी हुआ जो लोगों को पता हो? बहुत ज्यादा, अपने सलमान अली जी के गाने तो अगर आप यूट्यूब खोलें तो लाइन लग जाएगी, पर उनका जो है मेरे रक्षे कमर वाला जो गाना है उसकी तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है। तो ये जो आपके तीनों सिंगर आ रहे हैं, ये एडमंटन में परफॉर्म करेंगे कि और जगह भी जा रहे हैं? नहीं, इनका नॉर्थ अमेरिका टूर है, ये लोग पहले एक दिन पहले ये लोग कैलगरी में परफॉर्म कर रहे हैं, 2 तारीख को, फ्राइडे को, सैटरडे 3 तारीख को ये लोग इधर एडमंटन में परफॉर्म कर रहे हैं, और 4 तारीख को लॉन्ग वीकेंड है, वैंकूवर में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद इनके कम से कम ह्यूस्टन में, डैलस में इनके 8 शो US में बुक्ड है ऑलरेडी। तो देखिए, आप ये मेगा शो लेके आए और आने वाले समय में भी ये चलता थे आपके साथ? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, अगर मुझे अपने का, सबका, फ्रेंड्स का साथ रहेगा, अगर लोग लाइक करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के शो और लेके आऊँ एडमिंटन में। मैं कई सालों से आपको देख रहा हूँ, काफी एसोसिएशन है जिसमें आप वॉलंटियर हैं और ऑफिस बेयरर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आपकी तो टिकट वैसे ही बिकी जाने। मैं किसी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहती, ना मैं उनका कोई फायदा उठाना चाहती हूँ मैं किसी, बट क्योंकि मैं इतना काफी वॉलंटियर
करती हूँ तो मेरे को ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा मान रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा शो तो एब्सोल्युटली सोल्ड आउट रहेगा। आपको शुभेच्छाएं, और देखिए आज हमारे व्यूअर्स जो हैं पूरे कनाडा में आपको देख रहे हैं, मगर आपका शो एडमंटन में है तो एडमंटन से भी काफ़ी व्यूअरशिप है हमारी, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा एक ही मैसेज होगा कि आप जो आर्टिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, आर्टिस्ट को आप जब वो लोग परफॉर्म करने आते हैं अगर आप देखने नहीं आएंगे तो आर्टिस्ट एनकरेज नहीं होंगे। सो आप लोग सब आइए, उनको एनकरेज करिए और जो भी हो इसको सक्सेसफुल बनाइए। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष भारत की वड्डी उड़ान। चंद्रयान 2 करेगा चंद की खोज। बीती 23 जुलाई नूं भारत ने चंद्रयान 2 नूं चंद लई रवाना कर दिता है। इस नाल भारत भी विश्व के उन्हां देशां च शामिल हो गया है जो चंद तक अपनी पहुँच बना चुके ने। इस मिशन की खास गल ये है कि चंद्रयान 2 चंद के दक्षिणी ध्रुव ते लैंड करेगा, जो कि पहली बार होगा। अज तक दुनिया का कोई भी मुल्क चंद के दक्षिणी ध्रुव ते लैंड नहीं कर पाया है। आओ जानते हैं चंद्रयान 2 मिशन दियां कुछ खास गल्लां। भारत भी अमरीका, रूस ते चीन वांगू सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 चंद के दक्षिणी ध्रुव ते उतरेगा। इस तो पहला कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव ते नहीं उतर पाया है। चंद के दक्षिणी ध्रुव ते बहुत अनेरा है क्योंकि उत्थे सूरज दियां किरणां नहीं पहुँचदियाँ। चंद के दक्षिणी ध्रुव ते तापमान बहुत घट है, सो पानी या बर्फ मिलन दे आसार हन। इस तो पहला चंद्रयान 1 ने चंद ते पानी की खोज करके दुनिया नूं हैरान कर दिता सी। भारत नूं दुनिया दे नक्शे ते इसरो बहुत वार चमका चुकिया है। इसरो दे साइंटिस्ट सच्ची बहुत मेहनती हन जो अपने देश लई दिन रात एक कर रहे हन। एक बार असी फेर कह सकांगे साडा भारत महान। At Maple Dental Clinic, we strive to create a comfortable environment for our patients. We work evening and weekend hours for your convenience. We do Invisalign braces, digital x-rays using modern state-of-the-art equipment. We direct bill insurances. Our staff speak English, Punjabi, Hindi, and Urdu. Good afternoon, Maple Dental Clinic. How may I help you? We are here to spread a smile, so please call us at 780-440-5001 to book an appointment today. Punjab Insurance. To fulfill all your dreams, come to Punjab Insurance. For best service and best rates, call Yash Sharma Financial Advisor. You can have your parents in Canada on Super Visa Insurance. Your personal insurance will be benefiting you in many ways. You can contact Yash Sharma for life insurance, disability and critical insurance, visitor visa insurance, travel insurance, RRSP retirement plan, RESP education plan, TFSA segregated funds, health and dental plans. Your one call to Yash Sharma for all facilities. Punjab Insurance. Trans World Immigration Consultancy. For your visitor visa, student visa, work permit, super visa, skilled worker, provincial nominee program, and refugee claims, contact Trans World Immigration Consultancies, Tejinder Bhateja, 587-889-2340. Ask about procedures for Atlantic Immigration Nominee Program and all other types of immigration consultancy. Visit, stay, and settle in Canada. For free assessment today, visit 4809 West Winds Drive, Calgary, or call 587-889-2340. Trans World Immigration Consultancy. Welcome back friends, आपको हमारा शो कैसा लगा? हमारे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही हमें मैसेज करें और ईमेल करते रहें info@harmonytv.ca पर। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना तो हमें व्हाट्सएप करें या तो हमें टेक्स्ट मैसेज करें 780-200-0246 पर। अपने बिजनेस को कनाडा की धरती पर एस्टैब्लिश करने या तो मार्केट करने के लिए हार्मनी टीवी है हमेशा हाजिर।
और हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए आपके पास है ढेर सारे रीजंस. वन ऑफ देम इज वी आर अवेलेबल ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वी कॉल इट यूट्यूब. हार्मनी टीवी शो है हमारी चैनल का नाम और आप हमारे सारे एपिसोड्स वहां पर देख सकते हैं. कोलैबोरेट होने के लिए भी आपको करना है हमें कॉल या मैसेज 7802000246 पर. फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, करती हूँ वादा आपसे मिलने का नेक्स्ट सैटरडे. काला शारंगा की दा बाल सी ਸ਼ਾਰੰਗਾ ਕੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ.